प्रणाम। जय बाबा महाकाल, जय बालाजी सरकार। आज के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि मसल्स पेन कैसे कम किया जाए, बोन और मसल्स में जो पेन होता है उसे कैसे कम किया जाए, इसी पर हम आज चर्चा करते हैं। मसल्स और बोन में, बोन ज्वाइंट्स में हम लोगों को जो पेन होता है वो बहुत से रीजन से हो सकता है। अर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक बोन डिजीज से लेकर के हो सकता है। लंबैगो है, गाउट है, गठिया है, पेनफुल मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। सबसे अच्छा जो है हम आप लोगों को पेटेंट बताएंगे कि कैसे आप लोगों को इससे आपको राहत मिल सकती है होम्योपैथी की दवाइयों से। सबसे पहली जो पेटेंट जो आप यूज कर सकते हैं वो है रोम्या कॉल। रोम्या कॉल जो है लार्ड कंपनी का है, बहुत ही अच्छा पेटेंट है। इसे आप लोग अपने मरीजों को दे सकते हैं और बहुत ही मरीज बहुत ज्यादा आराम मिल सकता है। इसी तरह रोम्या कॉल जो है लार्ड कंपनी का है और बहुत ही अच्छा है। इसमें जो दवाइयां होती हैं वो एसिड फॉर्मिक है, कोल्चिकम है, रसप्रास्त है, नेट्रम सेल सी लियम है, लीडम पाल है, डलका मारा है, लिथियम कार्ब है, जेल्सीमियम है और बहुत ही अच्छी सिरप फॉर्म में है। 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में लेकर के दिन में 3 बार लीजिएगा, 15 दिन लीजिएगा, 1 महीना ले लीजिएगा और काफी हद तक आपको किसी भी तरह के ज्वाइंट्स पेन में आराम मिल जाता है। साथ में इसके बायोकेमिक नंबर 19 जो है लॉर्ड कंपनी की या किसी भी कंपनी की बायोकेमिक नंबर 19 आती है, ये भी आप ले सकते हैं। इसमें फेरम फास, काली सल्फ, माइक फास और नेट्रम सल्फ 4 दवाइयां है जो बायोकेमिक की 3x पोटेंसी में वो मिली हुई हैं और ये भी किसी भी तरीके के अर्थराइटिस में, गठिया में, मस्कुलर डिसऑर्डर में पेन को आराम देने में काम करता है। इसी से ट्रीटमेंट ऑफ गाउट अर्थराइटिस है। ऐसे ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जो टाइम टाइम पे हम आपको बहुत सारी होम्योपैथी से जानकारी देते रहेंगे। प्रणाम।